Unlike his contemporaries in Bollywood, actor Imran Hashmi, who will soon be seen in the film Ungli, has come up with a unique strategy to promote the film. The actor was spotted promoting the film with rickshawalas in Mumbai Friday. Meanwhile, he spoke about the whole idea behind such a unique marketing strategy. हमने ये बैनर्स लगाए हैं रिक्शा वालों से बिनती है, हमने फिल्म में दिखाया है कि हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में, हर सर्विस लाइन में वो 1-2% लोग हैं जो उस सर्विस लाइन या इंडस्ट्री प्रोफेशन को एक बुरा नाम देते हैं। तो हमारी बिनती है सब रिक्शा वालों से कि वो लोगों को छोटे भाड़े पर लेके जाएँ, क्योंकि हमें देखा है मुंबई जैसे शहर में, दूसरे शहरों में भी, कि जनरली अगर हमें कहीं, अगर हम बांद्रा में रहते हैं और बांद्रा में पास में कहीं जाना है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं लेके जाएंगे जब तक आप लंबा भाड़ा नहीं मांगेंगे। तो इसलिए हमने ये आज सोचा कि हम आएँ और लोगों को टोपी पहनाएं, उंगली की टोपी पहनाएं, और ये बैनर्स भी हैं एंड इट्स ऑल गुड स्पिरिट फिल्म के लिए, क्योंकि फिल्म में उंगली गैंग का मोटिव भी यही है कि करप्शन और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे सिस्टम में, लूप होल्स हैं, उसको दूर करें। और इमरान सब मल्टी क्लैश चूज करते हैं या बड़े बड़े मॉल चूज करते हैं प्रमोशन करने, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आइडिया तो मार्केटिंग टीम का है, इन्होंने ये आइडिया निकाला है क्योंकि हमारी फिल्म में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है फिल्म का, जहाँ पे सोसाइटी में जैसे पॉट होल्स हों, खड्डे हों, यू नो गवर्नमेंट ऑफिस में हों और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं। जैसे मैंने कहा कि वो जो 1-2% लोग होते हैं जो पूरे प्रोफेशन को एक बुरा नाम देते हैं, तो हमें लगा कि ये एक तरह से बहुत ही कैची चीज़ है, रिक्शा वालों के साथ ये एक चीज़ बहुत ही पॉपुलर होगी हमारे प्रोमो से, तो इसलिए हमने यहाँ के आज इवेंट किया। प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर एंड डायरेक्टेड बाय रेंसर डिसिल्वा, उंगली ऑल्सो फीचर्स कंगना रनौत, संजय दत्त, रणदीप हुडा, नेहा धूपिया एंड नील भूपालम। It is slated to release November 28.